स्वस्थ शरीर की जिसने ठानी उसे बुढ़ापे में नहीं चाहिए कोई लाठी। और यदि आप भी बिना लाठी के अपने बुढ़ापे को बिताना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से करता है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो कि 15 अगस्त 1947 से लगातार कार्यरत है। नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य में। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं हमेशा आपके समक्ष नए नए विषय पर चर्चा करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। फीमेल वेलनेस पर आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि महिलाओं के अंदर जो कमजोरी आ जाती है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं, उनको वाइट डिस्चार्ज होता है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और वह पहले की तरह से स्वस्थ महसूस नहीं कर पाती हैं। हड्डियों में दर्द की समस्या हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और ये दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय होता है, पीड़ादायक होता है। तो आप कैसे खुद को स्वस्थ कर सकती हैं, कैसे अपने शरीर को पहले की तरह स्ट्रांग बना सकती हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकती हैं और कैसे अपने गुप्त रोगों से मुक्ति पा सकती हैं, यही सब जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्वविख्यात आयुर्वेद आचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकते हैं, कोई भी समस्या हो कॉल कर सकते हैं, वैद्य जी से बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से बात करने के लिए या फिर व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जाएँ और जाकर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के पेज को फॉलो कर लें, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वैद्य जी, आज हम लोग बात करेंगे आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में बनाए गए आदर्श रसायन प्राश की। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, ये प्रोडक्ट महिलाओं की किन समस्याओं को देखते हुए बनाया गया है और कैसे महिलाएं इसका उपयोग कर सकती हैं। रश्मि जी, महिलाओं में अक्सर कुछ बीमारी है जैसे कि पीरियड्स बहुत ज्यादा आना या वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होना या डिलीवरी के बाद कमजोरी महसूस होना। हर प्रकार की कमजोरी दूर करने के लिए रसायन प्राश अमृत तुल्य है। जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है और किसी ट्रीटमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से वो दूर हो जाए, तो दूर तो हो जाती है लेकिन वो अपना असर छोड़ जाती है, यानी कि कमजोरी बीमारी ठीक होने के बाद आती ही है। और कमजोरी दूर करने के लिए यह रसायन प्राश, रसायन नहीं महारसायन है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति इसको नियमित रूप से सेवन करता रहे तो उसकी इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रांग होती ही है। इसके घटक कुछ ऐसे हैं जो हमारे शरीर की हर तरह की बीमारियों से हमको दूर रखते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम, इन सब से भरपूर होने के कारण ये हमारे शरीर के लिए बहुत नितांत जरूरी है। और जो पुरुष और स्त्री इसको सेवन करते रहें उनके लिए मैं इतना कहूँगा, रसायन प्राश दुग्ध सोपावें, संध्या काल सेज में आवें, बड़े काम काम नी सुख पावें, पुरुषादि आनंद बढ़ावें। यानी कि जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष रसायन प्राश को दूध के साथ सेवन करे तो संध्या काल में जब वह अपने स्त्री प्रसंग करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों भरपूर इसका आनंद उठाते हैं और उनको इस रसायन प्राश के सेवन से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होती और वह अपने चरम सुख को भी प्राप्त करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस दवाई के बारे में हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। तो ये जानकारी मेरे सुनने के बाद भी मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि आप भी जरूर मंगाएं आदर्श रसायन प्राश और खुद को स्वस्थ कर लें। कोई भी परेशानी है, यदि महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है या फिर उनको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग है, तो आप इसका सेवन कर सकती हैं और खासकर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकती हैं। आदर्श रसायन प्राश मंगवाने के लिए आप घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकते हैं, आप इसको अमेजन, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से मंगा सकती हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी, और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे, फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। मेरा नाम प्राची है जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
मैं कोटा से बात कर रही हूँ जी। बताइए क्या आपकी प्रॉब्लम है, वैद्य जी सुन पा रहे हैं आपको? जी वैद्य जी को नमस्कार। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे सर्दियों में थोड़ा सांस की प्रॉब्लम रहती है जी। सांस लेने में थोड़ा दिक्कत रहती है, जब मौसम बदलता है सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तब मुझे प्रॉब्लम काफी फेस करनी पड़ती है जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 29। और कोई दिक्कत? नहीं सर, मुझे बस यही प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है सर्दियों में ना। ठीक देवी। हाँ जी, तो मैं पूछना चाह रही थी क्यों है, इसका क्या उपाय है? जी बताता हूँ देवी जी। अक्सर जब हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन होती है तो इस प्रकार की दिक्कत हमको महसूस होती है। हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर कुछ तत्व जाते हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं एलर्जन। और जब हमारी इम्यूनिटी पावर वीक होती है तब हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से सर्दी आए, हमको जुकाम, खांसी, सिर दर्द इत्यादि सताने लगता है, बुखार बारंबार आने लगता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यदि हम रसायन प्राश का सेवन गर्मी, सर्दी, बरसात 12 महीने सेवन करते रहें तो मैं कह सकता हूं कि हमारी इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रांग होगी ही, शरीर से टॉक्सिन्स भी पास आउट होंगे और हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सताएगी। ये रसायन प्राश है, रसायन नहीं, ये महारसायन है। जिस तरीके से हम अपने शरीर को निरोग रख सकें और अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को दूर रख सकते हैं उसको कहते हैं रसायन। और ये रसायन नहीं, महारसायन है। आप इसको सेवन करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इसका ऐसा नहीं है कि आप किस मौसम में लें किस में नहीं, इसमें आप 12 महीने इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूध मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा, यदि दूध उपलब्ध ना हो तो आप इसको सूखा या पानी के साथ भी ले सकते हैं। और इसको सेवन से, इसके सेवन के बाद हमारे शरीर से कमजोरी निश्चित रूप से दूर होती है, क्योंकि इसके लिए कहा भी है, रसायन प्राश है श्रेकर गो दुग्ध अनुपान, दुर्बलता सत्वर मिटे वैद्यों का आख्यान। कि कमजोरी किसी भी बीमारी के बाद जब आती है इसके सेवन करने से निश्चित रूप से नष्ट होती है। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको बताया कि ये कैसे स्वस्थ हो सकती हैं। तो अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, यदि आपको भी ऐसी कोई भी समस्या है, परेशानी है, खासकर जैसे कि आपने सुना कि इनको सांस लेने में समस्या होती थी और खांसी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को हो जाती है, मौसम बदलने के साथ साथ कुछ लोगों को जुकाम हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है ये रसायन प्राश। आप इसका सेवन कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। और कोई अन्य प्रकार की आपको बीमारी है तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। सारे नंबर, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं और आपको बार बार मैं भी बताती हूं कि आयुर्वेद की पहचान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। उच्च गुणवत्ता व शुद्धता की पहचान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है। और जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, रिटेल में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, बल्क में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो जो नंबर टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप भी इन पर संपर्क कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया ये आदर्श रसायन प्राश, ये जो प्रोडक्ट है, ये किस किस प्रकार की जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है? रश्मि जी, रसायन नहीं महारसायन है। और इसका एक घटक है दशमूल। दशमूल के अंदर 10 चीजें होती हैं, शालपर्णी, प्रष्टपर्णी, अरणी, शिवनाग, बेल, पाडल, गंभारी, छोटी कटहली और बड़ी कटहली, इन सब को मिलाकर के बनता है दशमूल। 10 चीज़ों से बना दशमूल, ये प्रसिद्ध रोग की आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध दवा है। और दशमूल के सेवन से आप देखेंगे डिलीवरी के बाद अक्सर महिलाएं दशमूला रिष्ट और अर्क दशमूल सेवन करते थे, अब थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया, हम इसके घन भी बनाते हैं दशमूल घनवटी और डिलीवरी के बाद इसको प्रयोग कराते हैं। यह प्रसूत रोग में तो काम करता ही है, साथ ही साथ लेडीज़ का जो दूध दूषित हो जाए या दूध पूरा ना उतरता हो उसमें भी यह लाभ करता है। बासा, जिसको अड़ूसा भी कहते हैं, ये खांसी, जुखाम, सांस की बहुत अच्छी दवा है। और इसके निरंतर सेवन से टीबी जैसी इत्यादि भी दूर होती है। तीसरा हरित की, यह त्रिदोषजन्य विकारियों में विशेषकर वात व्याधियों में बहुत लाभ करता है। और शरीर के स्रोत शोधन के लिए हरित की सर्वश्रेष्ठ है। अश्वगंधा, अश्व के समान गंध देने वाला अश्वगंधा, यह वात व्याधि, थायराइड, पेट की दिक्कत, अनिद्रा, भ्रम, शुक्र दुर्बल्य, मूत्राघात और प्रदर
और ख़ास तौर से योनि में यदि दर्द रहता हो, इन्फेक्शन रहता हो, उसके लिए अश्वगंधा किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारा बीपी मेंटेन रखता है और साथ ही साथ मानसिक अवसाद, जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं, उसको दूर करता है। और बाजीकरण में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा वर्णित है। शतावर, इसको लेडीज़ हार्मोन्स बैलेंस भी कहते हैं, ये लेडीज़ के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करता है। ख़ास तौर से जिन महिलाओं को दूध ना उतरता हो, उसमें इसका और अश्वगंधा का प्रयोग चूर्ण के रूप में हम देते हैं, खिलाते हैं, उनको इसके सेवन से बहुत लाभ मिलता है। और शतावर टीबी में, दुर्बलता में, शुक्रचय में, गर्भस्राव में, जिनको बार बार गर्भ ना रुकता हो, और साथ ही साथ रक्त प्रदर हो, यूटीआई पेशाब की दिक्कत हो, अपस्मार यानी कि पागलपन, और हृदय की दुर्बलता हो, सिर में दर्द रहता हो, उनके लिए तो चमत्कार से कम है ही नहीं। साथ ही साथ ये शरीर के अंदर बल की भी वृद्धि करता है। पीपली, पीपल दुष्ट से दुष्ट बीमारी को दूर करने में हम वर्धमान पीपली का प्रयोग कराते हैं। और पीपल का प्रयोग कफ, वात रोग, प्लीहा वृद्धि, पीलिया पांडु जिसको बोलते हैं, अजीर्ण, गुल्म, उदरशूल, श्वास कास और हिक्का में बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। और टीबी में भी इसका हम प्रयोग कराते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इसके सेवन से निश्चित रूप से नष्ट होता है। तेजपत्ता और दालचीनी, इनके सेवन से जो हमारी नाड़ी दुर्बलता हो या पक्षाघात हुआ हो, किसी को पैरालाइज का असर हो, वात व्याधि बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, और उदरशूल पेट में दर्द रहता हो, गृहिणी जिसको हम लूज मोशन जिसको कहते हैं, 40 दिन तक अगर लूज मोशन बन जाए तो उसको संग्रहणी कहते हैं, उसको ये नाश करता है, यूटीआई हो, या हमारा रजोरोध यानी कि पीरियड्स खुल के ना आता हो, उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। क्लविया या जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंसी नपुंसकता, चाहे वो लेडीज़ में हो या जेंट्स में हो, इसके प्रयोग करने से निश्चित रूप से नष्ट होती है। श्वेत इलायची, दुर्बलता, ट्यूबरक्लोसिस, श्वास कास और मुख में कोई दिक्कत हो, मुख रोग हो, यूटीआई हो, या वात पित्त कफ से उत्पन्न कोई विकार हो, उसमें श्वेत इलायची का लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है उसके प्रयोग करने से। और नाग केसर, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो, चाहे वो रक्तार्स के कारण हो, चाहे वो पेट में अल्सर के कारण हो, या लिकोरिया के कारण हो, रक्त प्रदर हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, उसमें नाग केसर का प्रयोग बहुत लाभ देता है। साथ ही साथ जायफल और जावित्री, इन दोनों का प्रयोग कामोत्तेजना और स्तंभन शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। श्वास कास या हमको पीनस साइनस की दिक्कत हो और रजावरोध हो, उसमें भी इसका प्रयोग बहुत लाभदायक है। इसका एक घटक और है लौंग, जो कि बहुत अच्छा एंटासिड है, यूटीआई हो या स्तन में सूजन आ रही हो, दूध उतरने में दिक्कत होती हो, दर्द महसूस होता हो, या सिफिलिस की दिक्कत हो, उसमें भी बहुत लाभ देता है। बिदारी कंद, गर्भाशय के अंदर सूजन हो या लिकोरिया की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, मस्तिष्क में दुर्बलता हो, वात व्याधि बढ़ती हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या लिकोरिया हो, उसमें इसका लाभ बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। और इस रसायन प्रास का एक मुख्य घटक है आंवला। नारंगी से इसमें 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी है, और विटामिन सी इसमें इतना भरपूर है, इसको उबालने के पश्चात भी किसी भी प्रकार का कोई विटामिन इसमें कम नहीं होता। काकड़ा सिंगी, जिसको कर्कट सिंगी भी कहते हैं, इसके सेवन से यदि किसी के मसूड़ों में खून आता हो या शरीर में सूजन हो, घाव हो, श्वास कास हो, खांसी हो, ट्यूबरक्लोसिस की दिक्कत हो, इसके प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। और कश्मीर में इसका प्रयोग ट्यूबरक्लोसिस में बहुत किया जाता है, इसका फल ट्यूबरक्लोसिस में खाते हैं और उनको बहुत लाभ मिलता भी है। इन सब बहुमूल्य जड़ी बूटियों से यह निर्मित रसायन प्रास यानी कि महारसायन प्रास
हम अपनी फार्मेसी में बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इसलिए कि आपने विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताया कि रसायन प्राश किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विस्तार पूर्वक ये सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई और आपने उनको स्वस्थ करने के माध्यम से, उनको स्वस्थ करने के लिए यह बात अपने विचार अपने मन में रखते हुए इस दवाई को तैयार किया कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें और उनकी तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वह दूर हो सकें। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप भी इसको मंगवा सकते हैं, आदर्श रसायन प्राश। ये एक ऐसी दवाई है जो बहुत सारे गुणों से भरपूर है। आप भी इसका सेवन कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से। तो आप सभी इसको बहुत आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। इसको ऑर्डर करना बहुत आसान है, घर बैठे बैठे आप इसको मंगवा सकते हैं अमेज़न, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से, और पेमेंट भी बहुत ही ईजीली कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के माध्यम से। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आप सबको कोई समस्या अगर आती है तो नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की पहचान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, और उच्च गुणवत्ता व शुद्धता की पहचान है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। तो यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप बल्क में प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, रिटेलर बनना चाहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि ये एक भरोसेमंद फार्मेसी है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो कि 15 अगस्त 1947 से निरंतर कार्य कर रहा है, लोगों को स्वस्थ कर रहा है। तो आप भी ज़रूर यहाँ से दवाइयाँ मंगवाएं, प्रोडक्ट मंगवाएं, खुद स्वस्थ हो जाएं। और यदि किसी बीमारी का ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से करवा रहे हैं फिर भी अस्वस्थ हैं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सोचना किस बात का, अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें और वैद्य जी के माध्यम से खुद को स्वस्थ बना लें। क्योंकि वैद्य जी जो भी दवाइयाँ तैयार करते हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं, जड़ी बूटियाँ हिमालय से लाई जाती हैं जिनका निरीक्षण खुद वैद्य जी करते हैं। इसके साथ ही गंगा जल, माँ गंगा का पवित्र जल इसमें इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्ते, जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। नाम बताइए। जी मैं दीपा बोल रही हूँ बदवास से। जी दीपा जी, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए, वैद्य जी सुन पा रहे हैं। जी मुझे डेट ट्रांसफर होती है, ये दिक्कत मुझे 5 साल से है। आपकी उम्र कितनी है? 38। जी और कोई दिक्कत? जी इस कारण से मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा है, चक्कर आते हैं कभी कभी, घर का काम सही से नहीं कर पाती। ठीक बहन जी, आपको 5 साल से ये समस्या है, आप रत्न गर्भा 2 गोली और 2 गोली कामनी मुंडन रस, 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करते रहें। आपने कहा कि आपका वजन बढ़ रहा है, एक बार आप अपना थायराइड चेक करा लें, और वजन जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए मेदनाशक, गोधन वटी, इन तीनों की 2-2 गोली 2 बार पानी के साथ सेवन करते रहें। यदि आपको थायराइड की दिक्कत नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी का निवारण मिल जाएगा, आपके पीरियड्स रेगुलराइज हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो वजन बढ़ रहा है उसमें भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिल जाएगा। और ये दवाई जैसे आपने कहा कि आप मुरादाबाद से बोल रही हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकती हैं या ई कॉमर्स के थ्रू या अमेजन के थ्रू आप ऑर्डर दे सकती हैं, आप इनको अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको बताया कि ये किस तरीके से स्वस्थ हो सकती हैं, कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आप ये दवाई घर बैठे मंगवा सकती हैं, अमेज़न, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से इसको ऑर्डर कर सकती हैं। तो आप घर बैठे इसको ज़रूर मंगवा लें और इसका इस्तेमाल करें यदि आप स्वस्थ होना चाहती हैं। और बाकी के दर्शक भी लगातार कॉल करते रहें, खासकर यदि आप लोग आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श रसायन प्राश मंगवाना चाहते हैं तो आप जरूर संपर्क करें। खासकर आप इसको घर बैठे मंगवा ही लें क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, बहुत ही गुणों से भरपूर है ये दवाई। तो इसको ऑर्डर कर लें और इसका इस्तेमाल करें और स्वस्थ हो जाएं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो वैद्य जी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को अत्यधिक चक्र आने लगता है, यानी कि पीरियड्स बहुत ज्यादा आने लगते हैं, तो ऐसे में क्या ये दवाई महिलाओं के लिए मददगार साबित होती है? रश्मि जी अभी मैंने बताया इसका एक मुख्य घटक है नाग केसर।
यदि हमारी शरीर से एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती हो उसको रोकने के लिए नाक केसर बहुत अच्छी चीज़ है। और काकड़ा सिंगी जैसे मैंने बताया, कहीं से हमारा ब्लड का लॉस होता हो, खासतौर से मसूड़ों से या वैसे भी, उसमें भी इसका प्रयोग बहुत लाभ देता है। रसायन प्राश किसी भी आयु में, किसी भी वर्ग में, कोई भी अवस्था हो, आँख बंद करके निसंकोच इसको सेवन कर सकते हैं। चाहे मासिक बहुत ज़्यादा आता हो, चाहे बहुत कम आता हो, दोनों में ये बिल्कुल बैलेंसिंग काम करेगा। इसकी एक एक चम्मच दिन में दो बार सेवन लाभ देगा। वैद्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया कि यदि किसी को बहुत ज्यादा पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये दवाई किस प्रकार से कारगर है, क्योंकि देखा जाता है कि जहाँ पर ये संख्या है बहुत सारी महिलाओं की बहुत ज़्यादा कि उनको कम पीरियड्स होते हैं, वहाँ पर उनकी भी संख्या कम नहीं है जिनको अत्यधिक पीरियड्स होते हैं और इसके कारण उनको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और उनको नॉर्मल नहीं समझती हैं वो। तो आपने उनको बताया कि कैसे इस दवाई से वे स्वस्थ हो सकती हैं। हम आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे, फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं जी। हेलो हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। मैम मैं रिया बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से जी। रिया जी बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, वैद्य जी सुन पा रहे हैं? मैम मैं एक हाउसवाइफ हूँ जी, और घर में पूरा दिन काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं वैद्य जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे मेरे शरीर में फुर्ती रहे, मैं अपने काम को कर पाऊँ ठीक से जी। रिया जी मैं आपसे कहूँगा कि हम जितनी शक्ति खर्च करते हैं, चाहे वो शारीरिक श्रम घर में हो चाहे बाहर हो, और उसकी एनर्जी हम गेन ना कर पाएं, अक्सर कमजोरी आने लगती है। और ऐसी अवस्था से बचने के लिए आप रसायन प्राश का सेवन करें दिन में दो बार, एक एक चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ, या इसको सूखा भी खा सकते हैं। दिन में दो बार यदि रसायन प्राश आप सेवन करेंगे आपको किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी, और थकावट जो रहती है वह भी दूर होगी, साथ ही साथ आपका स्टेमिना भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। कुछ लड़के और लड़कियां अक्सर जो जिम जाया करते हैं, जिम प्रोडक्ट लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, मेरे से इस महारसायन प्राश को बहुत ज़्यादा लेते हैं और ले जाने के बाद सभी संतुष्ट हैं और अक्सर कहते हैं कि हमको इससे बहुत लाभ मिला, जो कमजोरी महसूस होती थी, थकावट महसूस होती थी उसमें तो लाभ मिला ही मिला, स्टेमिना भी उनको बहुत अच्छा प्राप्त हुआ बढ़ा। और हम यदि जिम प्रोडक्ट कुछ ऐसे होते हैं स्टेरॉइड्स बेस उसको लेते रहें तो शुरू में तो हमको लाभ मिलता है लेकिन बाद में हमारा बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। मैं इतना कह सकता हूं कि विटामिन सी से युक्त आंवले से बना हुआ यह महारसायन प्राश, रसायन प्राश यदि आप सेवन करेंगे आपको निश्चित रूप से थकावट दूर होगी, कमजोरी दूर होगी और शरीर में बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि वृद्धि होगी। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपने इनको बताया कि ये कैसे स्वस्थ हो सकती हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी विषय से हटकर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। वैसे तो आज का ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, उनकी वेलनेस के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और हर बार कुछ ना कुछ नया सुनने के लिए मिलता है, इसके नए नए वेरियंट्स आ जाते हैं और आपने कहा ये रसायन प्राश बहुत ज़्यादा लाभकारी है, गुणों से भरा हुआ है और आपने कहा कि ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज के समय में जो लोग डर रहे हैं, खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं और कोरोना से खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए भी मददगार साबित होगा? रश्मि जी उनके लिए मददगार ही नहीं, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। जिन लोगों ने इसका नियमित रूप से प्रयोग किया, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग बहुत कम थे जिनको कोरोना हुआ। और यदि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है तो हमको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या वायरस अटैक नहीं कर पाता, अगर करता है तो उसका असर बहुत कम होता है। और इसके सेवन से मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के वायरस के अटैक से हम बच सकते हैं, या यदि अटैक भी हुआ तो उसका असर बहुत लिमिटेड होता है। वैसे बहुत लोग जिन्होंने इसको सेवन किया, प्रयोग में लिया, उनको बहुत लाभ मिला, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। अक्सर एक बात कहता हूँ, जिस आदमी की इम्यूनिटी पावर अच्छी है वही बचेगा। और इस संक्रमण काल में जो बहुत बीमारी का दौर आया है, नए नए वेरिएंट को लेकर के आ रहा है, वही बच पाएगा जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। और इम्यूनिटी पावर उसके लिए विटामिन सी युक्त आंवला बहुत अच्छी दवा है और हम इसको प्रयोग में देते हैं, इसको ज़रूर मैं कहूँगा कि सेवन करना चाहिए।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने वैद्य जी, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया आदर्श रसायन प्राश जरूर मंगवाएं, इसका सेवन करें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये बहुत सारे गुणों से भरपूर है, बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनाया गया है। खासकर जड़ी बूटियां हिमालय से लाई गई हैं और इसमें माँ गंगा का यानी कि प्रकृति के पवित्र जल का इस्तेमाल किया गया है। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बहुत आसानी से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यह आपको अवेलेबल है अमेजन, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स पर, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। और ज़रूर मंगवाइए, क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की। तो आप इसको ज़रूर ऑर्डर कर लें और मैं तो कहती हूँ अभी ऑर्डर कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, समय आ चला है आपके एक प्यारे से दोहे का। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए अपना चमत्कारी दोहा कहें। रश्मि जी, रसायन प्रास की मैं जितनी ही गुण या वर्णन करूं उतना ही कम है। इसको मैं इतना कह सकता हूं, बलवर्धक हित सर्वदा, रसायन प्रास द्वैकर्ष, गो दहज सह श्रेय कर यह प्रयोग उत्कर्ष। यदि कोई व्यक्ति रसायन प्रास 2 चम्मच दिन में दूध के साथ सेवन करता रहे तो उसके शरीर में बल की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। खासकर आप जिस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खासकर जब कॉलर्स कॉल कर बताते हैं कि हमने आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से ये दवाई मंगवाई और हम इतनी जल्दी स्वस्थ हो गए, और हम वैद्य जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम भी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप आए, अपना कीमती समय दिया और लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, सोचना किस बात का, अभी फटाफट से जाएं और जाकर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के अमेजन, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से सारे प्रोडक्ट्स जिनकी भी आपको आवश्यकता है ऑर्डर कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आपको स्वस्थ करने का कार्य कर रहा है। और खासकर जिन महिलाओं को गुप्त रोगों की समस्या है, उनको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है, या फिर उनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर अपने सेक्स लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रही हैं, उनको रेडनेस हो जाती है, सेक्स के दौरान दर्द सहना पड़ता है, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर कोई अन्य प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमें दे आ गया, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।